भारत में जब महाराजा रणजीत सिंह जी का राज था, आधे इंडिया में तो था, हर से बोलियो धन गुरु नानक, अफगानिस्तान से लेकर दिल्ली तक हर से बोलियो धन गुरु नानक, आधे भारत पर। उस वक्त भारत में 550 राजा थे, 550 राजा हर से बोलियो धन गुरु नानक। और उन राजाओं में केवल उंगलियों में गिन सकते हो ऐसे राजा थे जिनका कैरेक्टर जीवन ऊंचा था। उनमें से एक नाम आता था महाराजा रणजीत सिंह जी का, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनका जीवन का एक एक पहलू इतना कमाल का, क्योंकि अंदर प्रेम का किनका पैदा हो चुका था, प्रेम जाग चुका था भीतर, ज्ञान था उन्हें, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक उनका राज था, जहां तक उनका राज था, ना तंबाकू ना शराब कुछ भी नहीं बिकता था, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महाराजा रणजीत सिंह स्वभाव था, क्योंकि जितने भी नेक राजा उनका स्वभाव होता है कि भेष बदलकर आम जनता के बीच में घूमना, पता करना कि जनता क्या सोच रही है, कोई तकलीफ तो नहीं है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महाराजा रणजीत सिंह अपने अहलकारों के साथ भेष बदलकर गरीब झुग्गी झोपड़ियां जहां पर है, वहां जहां दूसरे धर्म के लोग रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, वहां से वहां जाकर उन लोगों के बीच में खड़े हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ये जानने के लिए कि कोई तकलीफ तो नहीं है किसी को। अगर मकान छोटे हैं तो पक्के बनवा दें, ये नेक राजाओं का काम होता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खड़े हैं कहीं पर, एक आवाज कानों में पड़ी महाराजा रणजीत सिंह की, एक फकीर अपनी घर से बाहर निकलकर हाथ में कुरान शरीफ है, एक किताब है बड़ी, कुरान शरीफ और कुरान शरीफ के साथ एक और किताब है, वो पकड़ के रखी हुई है हाथ में, और ऊपर देखकर बोल रहा है, या खुदा काश काश इस देश पर कोई मुसलमान हुकूमत कर रहा होता तो मेरी मेहनत जाया ना जाती, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर यहां पर तो सिख है राजा, मेरी सारी मेहनत जाया हो गई और उसकी आंखों में आंसू है, ये खुदा से शिकायत कर रहा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महाराजा रणजीत सिंह ने जब ये आवाज सुनी पास में चले गए, भेष बदला हुआ पहचाना नहीं उस फकीर ने, कहने लगे क्या हुआ, मुझे सारी बात बताओ, मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। कहने लगे क्या कहूं, इस देश का जो राजा है वो सिख है, मैं मुसलमान हूं, मैंने 20 साल की मेहनत करके कुरान शरीफ का टीका किया है, टीका कहते हैं अर्थ किए हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, बहुत मेहनत की है मैंने, पर इसे हर मस्जिद तक मैं नहीं पहुंचा सकता, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं हर मस्जिद तक इसे पहुंचा सकूं, अगर इस देश का राजा मुसलमान होता तो वो ये काम जरूर कर देता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि सिख क्यों मुसलमान धर्म की प्रगति चाहेगा, क्यों प्रचार करेगा। महाराजा रणजीत सिंह क्या कहते हैं उस वक्त सात संगत जी, ये इतिहास में लिखी हुई घटना है, हाथ जोड़ दिए, नीचे जमीन पर बैठ गए, झुक गए, इस प्रकार हाथ किए, कहने लगे हे पीर, मैं ही महाराजा रणजीत सिंह हूं, ये कुरान शरीफ मेरी झोली में डाल दीजिए अर्थों समेत, 3 महीने का मुझे समा दीजिए, केवल 3 महीने का, हर छोटी बड़ी मस्जिद में ये किताब आपको वहां पड़ी हुई मिलेगी। महाराजा रणजीत सिंह सिख राजा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब पीर ने ये बात सुनी हैरान हो गया कि महाराजा है, झुककर बैठा है, कितने सत्कार से कुरान शरीफ को पकड़ रहा है, आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा देता हूं पर पहले मुझे एक दुआ कर लेने दो। महाराजा रणजीत सिंह पूछता है कौन सी दुआ, कहने लगा आप भी सुन लो, मैं खुदा से कह रहा हूं कि या खुदा मेरी 20 साल की मेहनत की मुझे एक दुआ कबूल कर ले बस, कि जैसा महाराजा रणजीत सिंह है सारी दुनिया में राजे हों तो केवल ऐसे हों, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, मेरी एक दुआ बस कबूल कर ले। ये उस फकीर ने कहा, मुसलमान फकीर ने, ये होती है प्रेम की सीढ़ी की
एक पाया है प्रेम की सीढ़ी के, जो पाए हैं ना उसमें एक पाया ये है, कोई भी धर्म हो। एक बात तो यहाँ पे समझ लो सत्संग जी, हम सब मानते हैं कि मरने के बाद फिर से दूसरा जन्म है, सब मानते हैं। वाणी कहती है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक, मानते हैं सारे जोर से बोलिए हाँ, सब मानते हैं। क्या गारंटी है अगले मरने के बाद अगला जन्म मुसलमान के घर का नहीं होगा? क्या गारंटी है? बाबा आनंद सिंह जी ये पूछते थे संगत से, वो अपने पिछले जन्म गिनाते थे कि कई बार मुसलमान कई बार हिंदू, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज हम उसकी निंदा करें कल वहीं पे बैठे होंगे। हमारे हाथ में नहीं है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धर्म कोई बुरा नहीं होता, धार्मिक लोग बुरे होते हैं जो धर्म को कट्टरता में बांधते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पाने वालों ने मुसलमान धर्म में भी पाया है, राबिया ने पाया है, पाने वालों ने हिंदू धर्म में पाया, स्वामी विवेकानंद है, कितने हैं महापुरुष। पहले भी बात हुई थी, यहाँ पर सिख हिंदू मुस्लिम ईसाई की बात नहीं है, यहाँ पर जीवन की बात है, प्रेम की बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक मांग कर लो गुरु से, कल भी की थी कि ये इश्क का ये प्रेम का किनका हृदय में दे दे, क्योंकि जैसे ये आ गया ना भीतर, ये अपना पराया ये सब खत्म हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक आदमी एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाता है, देखने की तरीका बदल जाता है, सोचने का तरीका बदल जाता है जिसके भीतर प्रेम आ जाए। झगड़े फसाद खत्म हो जाते हैं जिसके भीतर प्रेम आ जाए, वो झगड़ों से दूर रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात भी बात से दूर रहेगा, क्यों? वाणी कहती है बात भी बात कहूं से ना की जाए, रसना राम रसायन पी जाए। जो राम राम जपेगा, वाहिगुरु वाहिगुरु जपेगा, देखेगा यहाँ पे झगड़ा हो रहा है, दूर हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो नहीं जपेगा वो झगड़े करने आगे जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।